हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, ये खबर सीधे आ रही है राजस्थान गौरव यात्रा से, जो जा पहुंची है घाटौल। राजस्थान गौरव यात्रा के तहत सीएम वसुंधरा राजे के बांसवाड़ा प्रवास के तीसरे दिन बुधवार दोपहर करीब 12 बजे घाटौल पहुंची, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सभा में सीएम ने आदिवासी दिवस को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने 9 अगस्त को आदिवासी कल्याण दिवस पर छुट्टी का ऐलान किया है। सभा स्थल पर ढोल की थाप के बीच कार्यकर्ता नारे लगाते रहे। भीड़ में शामिल कई महिला पुरुष भगवा कपड़ों में भी नजर आए। इससे पहले सीएम राजे के कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया। विधायक जीतपाल खाट के बेटे की मौत के कारण बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्वागत सहित अन्य कार्यक्रम निरस्त किए गए। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सड़क हादसे में विधायक पुत्र के निधन के चलते शहर और बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में यात्रा के तहत पूर्व में तय स्वागत समेत अन्य कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए थे। सीएम राजे विधायक खाट के घर परिजनों को सांत्वना देने गयी। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद के अनुसार प्रशासन की ओर से विधायक खाट के गांव थालितलाई में हेलीपैड सहित अन्य इंतजाम कर लिए गए हैं। घाटौल सभा में सीएम राजे ने कहा कि जो काम 50 साल में नहीं हुए वो अब क्या होंगे। महिलाओं को भामाशाह कार्ड के जरिए लाभ मिला है, जिससे प्रदेश भर में महिलाएं सशक्त हुई है। उन्होंने कहा, पहले और अब स्थितियों में बदलाव आया है। टीएसपी क्षेत्र में 12,000 भर्तियां हुई। क्षेत्र के किसानों को ऑन डिमांड कृषि कनेक्शन मिल रहा है। सभा में उन्होंने जय जय राजस्थान में सभी से साथ चलने की अपील का नारा दिया। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।